अगर हम आपसे कहें कि आपका सिर दर्द, दांत दर्द, घाव, छाले, खरोच आदि बीमारियों का इलाज मात्र एक जगह पर बैठने से हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह बात सत्य है जिसे वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड के बारे में, जो अपने आप में हजारों रहस्यों को छिपा कर रखा है, जिन रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिक सदियों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान हर समय 20 डिग्री सेल्सियस होना, पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म के ऊर्जा तरंगों का लगातार निकलना, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार के वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं, जिन्हें पिरामिड पावर के नाम से जाना जाता है, पिरामिड के अंदर सुरंगों और कमरों का मौजूद होना, जिन्हें क्यों बनाया गया था और इनका क्या कार्य है, इन सब के पीछे क्या वजह है, आज तक हमें नहीं पता। गीजा का महान पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन गीजा का पिरामिड ही इन सब में सबसे महान और सबसे रहस्यमय है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक है। पिरामिड को बनाने वाले पत्थरों को आपस में इस तरह से फिट किया गया है कि उनमें से किसी दो पत्थरों के बीच एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े और भारी भरकम पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया और इनको इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया। यह पिरामिड आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, जिसको बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। इसकी ऊंचाई 450 फीट है, जो 4300 साल तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत रही। यह रिकॉर्ड 19वीं सदी में टूट गया। इस पिरामिड का आधार 13 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। आखिरकार मिस्रवासी इस पिरामिड को बनाने में किस प्रकार के तकनीकी का इस्तेमाल किए थे, जिसकी मदद से इस असंभव से कार्य को पूरा किया। इस तरह का पिरामिड हम इस आधुनिक युग में भी नहीं बना सकते। आज तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या मशीन नहीं है जो इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सके। इस पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर दिखते तो लाइम स्टोन की तरह हैं, लेकिन शोध के बाद यह पता चला कि ये लाइम स्टोन की तरह दिखने वाले पत्थर असल में कुछ और हैं, जो लाइम स्टोन से कहीं ज़्यादा मजबूत और वज़नदार हैं। इस प्रकार के पत्थर हमें पृथ्वी पर सिवाय पिरामिड के और कहीं नहीं मिले। आखिर मिस्र के लोग इस तरह के पत्थर कहाँ से लाए? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। तो आइए पिरामिड से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में जानते हैं। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं, अर्थात उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। इसका भूचुंबकत्व एवं ब्रह्मांडीय तरंगों से विशिष्ट संबंध है। उत्तर दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबक रेखा है। चुंबकीय शक्तियाँ विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फेयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की अभूतपूर्व क्षमता पिरामिड में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर मौजूद वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम है, जिसका प्रभाव जीवित या मृत सभी वस्तुओं पर पड़ता है। प्राचीन मिस्रवासियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, अतः वे उसे उसी रूप में पूजना चाहते थे। मृत्यु के बाद राजा दूसरे दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इसी धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था और इन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड रखा गया था। दरअसल राजा अपने जीवन काल में ही एक भव्य पिरामिड का निर्माण करवाता था, जिसमें मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाया जाता था। ग्रेट पिरामिड एक प्राचीन कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोणों को मापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में
पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। गीजा में मौजूद तीन सबसे बड़े पिरामिड ओरियन राशि के तीन तारों के बिल्कुल सीध में हैं। बरसों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य जानने में लगे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। गीजा के पिरामिड को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।